वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा खाना बनके रेडी हो गया, वो हमने लगा भी दिया है खाने, और हस्बैंड जी हमारे देखो आराम फरमा रहे। यार खा उठ के हमको भूख लगी है, तो तुम भी अपना निकाल के मैं लेके आऊंगी, तुम उठो पहले। तो निकाल के लाओ पहले, मैं दिखा नहीं रही हूँ इनको, दिखाऊं कैसे आलस में पड़े हुए हैं। अब मैं दिखा दूंगी, या तो उठो। हाँ मैं उठ रहा हूँ, तुम जाओ अपना निकाल के लाओ। चलिए ठीक है, मैं लेके आती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमको रोज क्या खिलाते थे बताइए, जरा आप ही बता दीजिए। बताओ, चुकंदर। हाँ, ये हमको ना रोज चुकंदर खाने के लिए मजबूर करते थे, चुकंदर खाओ, एक चुकंदर खाओ, ना चुकंदर खाओ तो उसका जूस पियो, ये वो फलान दमक। तो आज मैंने अपने साथ खाने के लिए मैंने इनके लिए भी काट दिया। ये देखिए, ये मेरा हो गया और अपना दिखाइए। तो हम दोनों का बराबर है, एक मिनट ऐसे पकड़िए बराबर से, तो हम दोनों लोगों का है बराबर। और आज इनसे हम पूछेंगे, हमको बताते थे नहीं इतना तो बुरा नहीं लगता भाई, मुझे नहीं खा जाता था चुकंदर, पर थोड़ी सी मजबूरी इसके लिए खा रहे चुकंदर। क्योंकि अब इनका मुंह देखो, जब मैं बनाती थी तो कह रहे थे हाँ हाँ मुझे मोटिवेशन लो, मुझसे इतना बुरा नहीं लगता, इतना टेस्ट नहीं खराब होता, ये वो। अब कैसा लग रहा है बताओ, जरा खा टेस्ट में। बढ़िया। मैं पूरा दिन बच के ना शाम में खाती थी कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए मेरा टेस्ट जो मुंह का है वो फ्लेवर जो वो खराब लगे, लेकिन इनके मुंह के रिएक्शन से तो जान ही सकते होंगे फ्रेंड कि कितना गंदा लगता है खाने में ना। और किस किस को चुकंदर पसंद हो वो भी कमेंट करके बता देना कि कैसे नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं। इनके में तो चाट मसाला और मैंने काला नमक ऐड किया, मैं अपना वैसे खाती हूँ, मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता, अच्छा तो लगता ही नहीं पहली बार, तो किसी तरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो चल के पहले खाते हैं चुकंदर। इंजॉय इंजॉय खाओ खाओ खाओ, इसमें खाने में कोई परेशानी ऐसे नहीं लो, आराम से आंखें बंद करो। वाओ, अभी फ्रेंड हो गया नेक्स्ट डे और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैंने आज पहनी बहुत ही प्यारा कलर का एक टॉप, मस्त। तो बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा टॉप, क्योंकि मैं रेडी हुई हूँ, कहीं जाना है। कहाँ जाना बता देते जाना है हॉस्पिटल, हमको इंजेक्शन लगवाने, उसी के लिए रेडी हो गए हैं। हस्बैंड जी छत पे बैठे हैं, बुला रहे हैं, उनको आ ही नहीं रहे क्योंकि हमको लेट हो रहा है, अभी फ़ोन किए थे आ नहीं रहे हैं। चल के देखते हैं उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे उनके फ्रेंड लोग आए हैं तो छत पे जाके बैठे हैं, धूप भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमको जाना है डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने के लिए। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से कॉल करती हूँ उनको, उसके बाद में हम निकलते हैं। जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है मेरा टॉप। ये अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। ये मेरे पतिदेव लाए थे मेरे लिए टॉप, अच्छी है ना उनकी पसंद, परफेक्ट है उनकी पसंद। बहुत कभी कभी, वैसे तो बहुत ही कम पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है तो कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए मेरे पतिदेव लाए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद लगता, बहुत सॉरी बहुत, आज मुझे क्या हो गया पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, एकदम सॉफ्ट है ना, पहनने में बड़ा आसान लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो अभी हम कहीं जाने के लिए रेडी हुए हैं और हस्बैंड जी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो छत पे बैठे हैं, उनके फ्रेंड्स लोग आए हैं, तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं दो बार फ़ोन कर चुकी हूँ उनसे कि आ जाइए नीचे, लेकिन आ नहीं रहे। होता है ना जब बैठ जाते हैं ग्रुप में चार लोग तो मन नहीं करता जल्दी आने को। अब मैं दो बार फ़ोन भी कर चुकी हूँ, बार बार आके देख रही हूँ, जब तक कई लोग हैं तो मैं जा नहीं सकती बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया, जहाँ मुझे निकलना है कुछ अर्जेंट काम से तो आ जाते हैं हस्बैंड जी, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। इतना देर बुलाए तब आए जाके, जल्दी जल्दी में पहन के वर्दी निकल लिए। ताला लॉक करने वाला हमारे हस्बैंड जी काम करते हैं, गेट लॉक करते हैं ये। आज बाइक की चाबी लाए, आज मेरा गैस भी खत्म हो गया, मैं गैस भी ले जा रही हूँ बनाने। अब भागेंगे बहुत तेज, चलते हैं फ्रेंड्स, काम करके आते हैं अपना, जा रही मैं हॉस्पिटल, यही काम है इंजेक्शन वगैरह लगाने। हाँ।
आगे है अभी जूस पीने के लिए और हस्बैंड जी बता रहे हैं कौन सा जूस पियेंगे। कौन सा पियोगे? कौन सा? मौसम्मी चलेगा। मौसम्मी नहीं कह रहे हैं, ये गुनाह है जूस वाले के सामने पानी बताता लगाते हैं। इसलिए लगाया जाता है कि देखो हेल्दी चीज़ें खाओ, अनहेल्दी चीज़ें मत खाओ, इसलिए लगाया गया है कि ये होती है अनहेल्दी चीज़ें, इनको नहीं खाया जाता। भैया गलत जगह लगा ले बोल देना उसमें, कल उस दिन नमक नहीं डाले थे, काला थोड़ा डाल के मिक्स कर देंगे जूस आगे। इतना महंगा जूस तुम गिरा क्यों रहे हो? भर गया पूरा जूस वाले का ग्लास, अच्छा लगता है। तुम्हारा बड़ा जल्दी खत्म हो गया, मेरा तो अभी भरा पड़ा है। देखिए तुम्हारा छोटा ग्लास है ना, यहाँ पे हमने जूस पी के आ गई हूँ मैं गैस भराने के लिए, क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो गया था और जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। मैं गैस भरा के लिए जाऊँगी फिर खाना बनाऊँगी, तो यहाँ पे मेरा जा रहा है भरने। बाबा भरते हैं आज, मैं देखूँगी कैसे भरा जाता है गैस। क्या पिछली बार कुछ कह रहे थे पिन खराब है? इतना बुजुर्ग हैं गैस भर लेते हैं कैसे? बड़े बड़े सिलेंडर जो बड़ा, मारा तो छोटा सिलेंडर है, वो बड़ा वाला भी उठा लेते हैं, बड़े आराम से उठा उठा के भर लेते हैं। बाबा कुछ पिन लगाए हैं, देखिए कैसे भरते हैं आज हम देखेंगे। अब इसको वेट किया जाएगा, इसका तौल होगा, इसका वेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा फिर कितना गैस डालेंगे ना। जब उठेगा तो भाग जाऊंगी मैं। ये गैस ऐसे ही भर जाता है ना, एक दूसरे पिन लगा के एक दूसरे पे रख देते हैं भर जाता है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स देख लीजिए गैस कैसे भरा जाता है। सिलेंडर में प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा वो इसके प्रेशर से उसमें चला प्रेशर से छोटे वाले सिलेंडर में चला जाता है। चलिए ठीक है, हम आज तक कंफ्यूज थे कि कैसे भरा जाता है गैस। अभी फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ रूम पे अपने, क्योंकि मैं गई थी हॉस्पिटल और मुझे इंजेक्शन लग गया, इतना दर्द हो रहा है ये क्योंकि मुझे आज डॉक्टर बुलाए थे, क्योंकि क्या कह रहे हैं जो इन्फेक्शन की मेरी दवा चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने दिया था कुछ दिन की दवा, उसके बाद में बुलाया था आज मुझे फिर से 29 तारीख को। तो मैं आज गई थी तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, इतना दर्द हो रहा है इंजेक्शन मुझे, और इंजेक्शन से इतना डर लगता है। वो वहाँ पे इंजेक्शन लगा रही, मैं ये चीज़ें सिगरेट नहीं की थी, मैं तो दिखाती आप लोग को, 4 बार मुझे इंजेक्शन लगा रही है डॉक्टर, मतलब लगा रही थी और मैं उठ जा रही हूँ बार बार। वो कह रही बेटा नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, जब चुभा दिए कस की इतना तेज से दर्द हुआ, अब चिल्लाए मम्मी, कह रही अच्छा, जब इंजेक्शन इतने प्यार से बात कर रही थी कि अच्छा इंजेक्शन लगवाने आई थी तो मम्मी से बात की थी, मतलब डर लगता है मुझे। तो वही मैं गई थी और मेरी दवा भी ख़त्म हो गई थी, उस दवा को भी लाने जाना था, इंजेक्शन लगवाने जाना था, तो उसी को लेके आ गई हूँ। और गैस मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं गैस भी भरा के लाई हूँ अपना भी, और चल रही हूँ मैं कुछ खाना बनाने, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए और लेट भी हो गया है काफ़ी, क्योंकि बज रहे हैं, शायद बज रहे हैं 2 से 2.5 बज रहे होंगे क्योंकि जाओ हॉस्पिटल में तो इतना जल्दी काम कुछ नहीं हो पाता है, पर्चा लो पर्चा कटवाओ उसमें लग जाता है टाइम इसकी वजह से। तो फ्रेंड हमारा तहड़ी बन के रेडी हो गया है, वो मैंने निकाल लिया है खाने के लिए। ये मेरा तहड़ी और प्याज आंवला की चटनी, क्योंकि आंवले का मौसम चल रहा है तो आंवला की चटनी इस समय बना के खाओ बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं पहले खाना खाते हैं क्योंकि लग गई जोरों वाली जो होती है ना वो वाली। लो हाँ, तो
तुम भी ले आओ। अरे बहुत हो गया, बहुत नहीं हो गया है फ्रेंड, इतना तैड़ी खाने लायक नहीं है, खा सकते हो ना आप? ज्यादा हो गया, बच्चे तो है नहीं छोटा सा जो खा नहीं सकते। चलो छोड़ देना ठीक है। क्या हुआ, शिमला नहीं सूट कर रहा क्या? मेरे में डाल दो, उनको हर चीज तो अच्छी नहीं लगती, शिमला इतना अच्छा लगता है खाने में, उन सब में डाल लो। सारा में पानी की पानी चाहिए तो इशारा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा मना कर दिया कोई बोलने से इनको। ये लो, ओके डन, मैं खाऊं बैठ के। अब वो फेंकी गिट्टी है, कौन सी गिट्टी फेंकी है? हाँ। जो अब वो होता है मामा बसने वाला। हम्म, ठीक है, अगर मैं जाऊंगी आंखें बंद करके चीनी में पड़ जाएगा तो मैं कट जाऊंगी। अच्छा अत्ते बोलो। हाँ अत्ते, हाँ हाँ देख लो, हो गया खत्म, गलत। हाँ चीने पे है। अत्ते हो गया, बारी बारी, ठीक है। ठंडी अब इतनी नहीं लग रही, क्या फटाओ। चलो कैसे आप खेलते, वैसे खेलिए, आ जाइए। ये ईटा वाला नहीं खेलेंगे, ये अत्ते अत्ते वाला कर लेंगे। आ जाओ अत्ते, पहले तो देख सकते हैं ना पहला? नहीं, हाँ अभी देख सकते हो, अभी उसके बाद नहीं देख सकते। एक उसमें डालना पैर रखते हैं। हाँ किसी में भी रख सकते हैं? नहीं किसी में भी नहीं रख सकते हो, अभी तो जा सकते हो, बट चीने पे नहीं पड़ना चाहिए, उधर निकल के जाना है। हाँ लास्ट में, ठीक। नहीं अभी सही है। हाँ सही है, सही है। आप दोनों में रखना होता है, एक ही में क्यों रख रहे हो आप? दोनों में क्यों, मैंने यही तो आंखें क्यों खोला आपने? एक में रखना है, इसमें भी उसमें भी दोनों में रखना होता है। इसमें फिर उसमें है ना? हाँ इसमें, हाँ इसमें, हाँ सही है। मुझसे क्यों पूछते हो, आगे बढ़ो। सही हो गया। अब पीछे से आंखें बंद करके वो फेंको, बस आने वाला क्या होता है। कई घर बसे मेरे, एक दो, और रुको यहाँ भी टुकड़े आए, यहाँ तक मैं तीन घर बस गए। तो तुम्हारा तो वो वाला था ना, आपका तो वो आपका गया ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसमें ही पड़े, उसमें लेना। ये आपका है ना ये? हाँ ये वो तीन, तीन नहीं होता, एक ही होता है। अच्छा तीन। तो ये वाला मेरा, चलो तो किसी को कोई भी नहीं हुआ, यही हुआ एक तो सारा में चले गया, तो किसी टूट गया था ना, तो वो एक, चलो चलो एक भी नहीं हुआ, बस ये मेरा बस गया। तो मेरे घर को भी तो डिजाइन करो, आप अपना करो, मैं अपना करूंगी, आपको तो करूं। हां चलो अब फिर खेलोगी? हाँ खेलोगी, आ जाओ खिला दे। वो पूरा घर बसा लेगी पूरे को अपना। बाहर नहीं जाते हैं, तुम गलत करती हो, बाहर नहीं जाते हैं, इसमें घूमते हैं फिर उसके बाद। मैं तो बेईमानी कर रहा हूँ, मत खेलो। हाँ हार गई हूँ, उसके बाद हमसे बहस कर रही हैं। अभी फ्रेंड हम आ गए हैं नीचे, खेल खेल के अपना वो जो कूदने वाला खेल था, सिप्पल उप्पल जो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। थक गए यार, वो पहले बहुत दिन बाद खेले ना, एक मामा हमने बसाया, एक मामा इन्होंने बसाया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, और जल्द ही मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक के लिए बाय बाय।